हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्स फीलिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीजल गाड़ी से माइलेज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मिडिल क्लास जैसे हम जैसे लोग हैं, उनकी जब कोई भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो दो चीज़ में ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है कि एक एक गाड़ी 1 लीटर में कितना माइलेज दे सकती है और उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। अगर मान लो रीसेल वैल्यू कम भी है तो वो 1 लीटर में कितना माइलेज दे सकती है, क्योंकि जब ही बचत पड़ती है और आपको पता है पेट्रोल डीजल के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान ही होता है। अगर माइलेज गाड़ी बिल्कुल ना दे, नुकसान में जाती है। और आज हम बात करेंगे ये होंडा मेज के बारे में कि इससे माइलेज कैसे निकाल सकते हैं। ये होंडा मेज BS4 गाड़ी है, 2019 मॉडल। इसमें 27.6 का माइलेज क्लेम करती है कंपनी, और अब जो नई आ चुकी है BS6 उसमें 25 पॉइंट कुछ का, क्योंकि माइलेज कम हो गया है BS6 आने पर। BS6 के नॉर्म्स पूरे करने हैं, सरकार के नियम है, जब BS5 भी हट गया है। अब जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 27.6, क्या उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं या नहीं, या उससे कम ही रहता है। मेरा मानना है कि आप जितना उसमें स्क्रीन में दिखाया जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उससे आप ज़्यादा निकाल तो सकते हैं, कंपनी जितना बताती है, पर वो टैंक टू टैंक मेजर नहीं हो पाता। वो तो ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि कम कम बढ़ती रहता है। आपको टैंक टू टैंक मेजर करना पड़ेगा कि आप इतने लीटर डीजल डलवाया और इतने लीटर चले, इतने माइलेज निकला। अब आप जैसे कोई भी गाड़ी लेते हैं तो शुरू शुरू में शौक रहता है कि इसे खोल कर देखें, भगाएं। जब तक पहली दूसरी सर्विस या मोबिल ऑयल चेंज भी नहीं होगा तो माइलेज आ भी नहीं सकता किसी भी तरह से। आपको सर्विस करवाने के बाद उसे थोड़ी सी इंजन रवा होगा, चलेगा थोड़ा सा, 50 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर, 10,000 रुपये तो वैसे अब जो नॉर्मल सर्विस ही होती है एक। फिर उसके बाद आपको भी आदत लगानी पड़ेगी कि क्लच ब्रेक में कितना गैप रखना है, क्या चीज़ें रखनी है। सबसे मेन काम रहता है कि लोग जब नई गाड़ी लेते हैं तो उसे भगाते हैं पूरी तरह, 100, 120, 200, फटाफट 130, बहुत जल्दी रहती है। और उसकी वजह से स्पीड अलर्ट सिस्टम भी आ गया है गाड़ियों में, क्योंकि सेफ्टी को मेजर कर चुके हैं अब। जब तक आप 80 के ऊपर जाते हैं तो एकदम टू बोल अलार्म बज जाता है कि आप 80 के ऊपर जा रहे हैं और ये खतरनाक है। इसलिए 80 पर ही, जैसे आप नॉर्मल स्पीड में रखते हैं 70-80 चलते हैं, तो उसमें ही आपका माइलेज निकल सकता है। अगर आप ज़्यादा रखोगे या भगाओगे तो उसमें आपका माइलेज नहीं हो निकलेगा, खाली सिर्फ फ्यूल फूकेगा और इंजन पर लोड पड़ेगा, फिर धीरे धीरे खर्चा भी बढ़ता जाएगा। अब माइलेज कैसे निकाल सकते हैं, आप कभी भी गाड़ी को एक्सप्रेस ना करें बिल्कुल भी, बहुत आराम से चलाएं, क्योंकि गाड़ी को महसूस करें कि कैसे चलती है गाड़ी। आप जैसे देख सकते हैं नॉर्मल गाड़ी बहुत आराम से चल, जहाँ हाईवे मतलब हाईवे पे नहीं है आप, जैसे मेन रोड पर है, 40-50 अपना धीरे धीरे चलाए। यहाँ पे भगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वैसे भी एरिया वैसा है, एक वन वे रोड है इधर उधर आने जाने की, तो यहाँ पे एक्सीडेंट या कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप भगाएं ना गाड़ी। देखिए आप जैसे 40-50 की नॉर्मल स्पीड है, जब आप हाईवे पे होंगे तो इसको 70-80 बस मेंटेनेंस, 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, वरना माइलेज नहीं निकल सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, माइलेज कंपनी जितना क्लेम करती है उससे कम ही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं उससे भी ज़्यादा, पर तरीके से चलाएंगे अगर, क्योंकि गाड़ी अपनी है और पैसे भी अपने ही लग रहे हैं, किसी और के नहीं लग रहे। इसलिए आपको ही माइलेज निकाल, आपको ही अपनी गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे चलानी है आपको ही देखना पड़ेगा। आप दूसरों को दोगे या किसी और को दोगे तो फिर गाड़ी का इंजन दिक्कत करेगा। आप इससे बड़े आप खुद चलाएं और बड़े प्यार से चलाएं। कभी भी गाड़ी को हाईवे पे एकदम एक्सप्रेस ना करें, बहुत तेज़ी से ना ले जाएं, पिकअप देखना है वो देखना है, आराम से ले जाएं, क्योंकि डीजल गाड़ी में टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है। ये 1,500 के बाद इसका टर्बो चार्जर स्टार्ट होता है तो एकदम से निकल के पड़ता है, और आप 70-80 मेंटेन नॉर्मल स्पीड करके चलोगे तो आपको माइलेज जरूर देगी गाड़ी। और ऐसा नहीं है कि माइलेज निकाल नहीं सकते, मैंने भी निकाला है, करीबन 27.6 का माइलेज क्लेम करती है होंडा मेज, यह है डीजल, तो इससे मैंने 28, 29, यहाँ तक कि 31 तक का भी माइलेज निकाला है। 31 का माइलेज निकाला था हमने कोटद्वार में आते जो उत्तर पहाड़ों की साइड उत्तराखंड में, ऐसा नहीं निकाल सकते वहाँ भी 70 स्पीड नॉर्मल, क्योंकि ढलान से उतरते वक्त निकल गया था, उतना ही स्पीड उतना ही रखा था, ढलान थी जब, तो 31 का माइलेज निकल गया था। और आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा फोटोज़ की, सबूत भी है कि 29 का जो माइलेज क्लेम करती है कंपनी
उससे ज़्यादा भी निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो, ये देख सकते हैं एक में 28 और एक में 29 का माइलेज, तो मैंने 31 का भी निकाला था, वो थोड़ा वो फोटोज़ डिलीट हो गई मेरे पे। और ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को, अगर आप टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस कराओगे, उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखोगे, ब्रेक पैड्स, कूलिंग ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, उसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत आ रही है, टायर वायर फटे तो नहीं, कटरे तो नहीं, अगर आप ध्यान से रखोगे तो गाड़ी ठीक रहेगी और आपको बीच रास्ते में कभी धोखा नहीं देगी। और माइलेज, माइलेज तो जब आप चाहोगे तो आराम से निकाल पाओगे, अगर आप ठीक से चलाते हैं, गाड़ी का ध्यान रखते हैं। कभी भी गाड़ी को 70-80, नॉर्मल स्पीड है 70-80, जिससे आप माइलेज निकाल सकते हैं। इतना ही कहना था। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल।